काफी लाइट वेट है ये ही जाबी जुत्तीस, लिटी एंड स्टर्डीनेस। हेलो हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, दिस वीडियो इज गोना बी मीशो फुटवेयर हॉल एंड आई हैव ऑर्डर बहुत सारे फुटवेयर्स फ्रॉम मीशो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मीशो एथनिक वेयर तो मैंने उसका भी हॉल किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई विल लिंक दैट वीडियो अबव, तो आप जरूर जाके देख लेना। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो काफी सारे डब्बे हैं मेरे पास। मैंने यूके साइज 5 मंगाया है जो कि मेरे पैर को थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो आई हैव टू एक्सचेंज ऑल ऑफ दिस एंड गेट यूके साइज 4। वो फर्स्ट पेयर है दीज न्यूड पेयर ऑफ हील्स। क्वालिटी स्टडी है इसका, बट इसमें कुछ कुशनिंग नहीं है। इफ यू आर लुकिंग फॉर सम कुशनिंग, इट्स डजंट फील चीप एट ऑल एंड ऐसा पहनने में भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये उखड़ के निकल आएगा। बट वन थिंग आई हैव इश्यू विथ इसका जो सोल है, क्योंकि इसके सोल में ना कुछ लाइन्स वगैरह नहीं है, तो इट इज हाई चांसेस दैट यू विल स्लिप इन दिस हील्स इफ यू वेयर दैट इन लाइक वॉटरी सर्फेस पे जा रहे हो। तो सब चीजों के प्राइस मैं ऊपर लिख दूंगी एंड सब चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पेयर ऑफ हील्स की। दोज आर ऑल्सो न्यूड एंड ट्रांसपेरेंट। दो स्ट्रैप्स हैं, ये प्लास्टिक की स्ट्रैप्स हैं दो, और इसके जो हील है ये थोड़ा सा लंबा है उससे प्रीवियस वाली से, वो बहुत ही छोटा हील था एंड दिस इज अ ब्लॉक हील, सो इट इज ओके अगर आप इसको दिन भर भी पहनो तो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो इसका पैकेजिंग है ना, ये बहुत ही खराब होके आया था। पता नहीं इन लोगों ने कैसा टेप वगैरह लगा के मुझे दिया है ये पैकेजिंग। एक ही प्लास्टिक में दो हील ठूसी हुई थी बेसिकली, प्योर ब्लैक, एंड ये जो स्ट्रैप्स हैं दोज आर अगेन प्लास्टिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेयर। तो ये मैंने एक फ्लैट सैंडल्स मंगाई थी, काफी अच्छी लग रही थी मुझे देखने में, ब्लैक कलर की है ये फुल्ली। इसके स्ट्रैप्स है ना बेसिकली, ये मुझे ज्यादा अच्छे लगे थे। इसमें काफी अच्छा सा स्टोन वर्क किया हुआ है एंड ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये निकलेगा, बट जैसे जैसे यूज करूंगी मैं तो ही पता लगेगा कि हाउ स्टर्डी दिस इज। इसके बाद ट्राई करते हैं एक व्हाइट हील्स। व्हाइट हील्स ना काफी एलिगेंट लगती है, किसी भी आउटफिट के साथ चली जाती है एंड मुझे काफी टाइम से व्हाइट हील्स लेनी थी। इसमें भी मैंने यूके 5 साइज ऑर्डर किया है एंड मीशो में ना थोड़ा साइजेस का डिफरेंस है। कुछ हील्स में मुझे 5 साइज सही आया है और कुछ में मुझे बहुत बड़ा आया है 5 साइज, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, साइजेस आर नॉट रिलायबल। और ये वाली हील्स भी अंडर ₹300 है और इसका फिनिशिंग ना बहुत अच्छा है ₹300 के हिसाब से। तो मैंने इसको काफी देर पहन के रखा था, इट डजंट फील एनीथिंग, काफी लाइट वेट है ये हील्स एंड इट डजंट हर्ट योर फीट। इसके साथ ही मैंने ऑर्डर किया है एक फ्लैट जो कि फिर से बेज कलर के हैं। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि मैंने कुछ भी कलरफुल ऑर्डर नहीं किया है, मुझे सिर्फ ये व्हाइट ब्लैक और बेज कलर ही पसंद है। तो ये कुछ ऐसा आया था, इसका इसमें कुछ तो इन्होंने शायद डस्ट के लिए कपड़ा देके रखा है, डस्टिंग के लिए चप्पल की, जो भी है वो अच्छा है कपड़ा। एंड इसमें भी काफी अच्छा कुछ नहीं है अंदर से एंड ये पीछे पैटर्न बना हुआ है इसमें, इसमें स्लिप होने के चांसेस बहुत कम है एंड इसमें भी मैंने यूके 5 मंगाया है, काफी सही आया मेरे को ये, परफेक्ट साइजिंग आया। द नेक्स्ट पेयर जो मेरे पास है दैट इज दिस पंजाबी जुत्तीस। सो इसमें ना ये स्टड्स है बीच में लगे हुए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं ये स्टड्स, पर्ल टाइप के स्टड है और बीच में ना ये स्टोन का वर्क किया हुआ है। आई विल नॉट लाइक, दिस लुक्स प्रिटी गुड, बहुत अच्छी लग रही है पहनी हुई, मेरे पैरों में भी बहुत अच्छी लगी एंड आई लाइक द डिजाइन। बट जो इसके ये मोती लगे हुए हैं ना, ये बहुत निकल रहे हैं नीचे से, अगर आप इसको एक दो बारी पहन लोगे तो ये सब मोती निकल के टूट जाएंगे, सो दैट इज द डाउन साइड ऑफ दिस जूती। और मुझे ना ये पुरानी मिली है, किसी ने पहन के वापस की होगी तो शायद मुझे वो वाली मिली है, तो ये प्रॉब्लम मैं रिटर्न करूंगी एंड आई थिंक थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ जूती का डिजाइन पसंद है तो आई वुड सजेस्ट कि और भी ऑप्शंस होंगे मीशो में, जस्ट डोंट गो फॉर जिसमें ये स्टड्स या बीड्स लगे हों, क्योंकि ये बहुत हल्का सा चिपका हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी आपका पैर लगा कहीं पे तो काफी सारे स्टड्स निकल रहे हैं, अभी खोलते खोलते ही 3-4 स्टड्स नीचे गिर गया मेरे से। तो ये काफी अच्छे से पैरों को स्नक कर रही है एंड जैसे जूती में होता है ना कि वो पीछे से आपके एंकल्स को काटती है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, इट इज परफेक्टली कंफर्टेबल एंड आगे कुशनिंग भी है इसके, चलने में काफी अच्छी रहेगी। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड लेट मी नो कि अगर आपकी कुछ सजेशंस है कि आगे कौन से वीडियोस बनाने चाहिए। तो या दैट्स अ थम्स अप टू मीशो फ्रॉम मी, मैंने पहली बार शॉपिंग की है मीशो से एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड एंड इनका रिटर्न पॉलिसी भी काफी अच्छा ही है, इट इज क्वाइट सीमलेस। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।